इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। मेक प्लेसेस पावरफुल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्णिमा मेहरा और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ बॉलीगार्ड स्टूडियो पर। मैं जानती हूँ आपको इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है जो कि 16 जुलाई को रिलीज होने वाली है। ज्यादा चौंकिए मत, मैं बात कर रही हूँ KGF चैप्टर 2 के बारे में। जैसे जैसे इस फिल्म की रिलीजिंग डेट पास आ रही है, आपकी तरह मेरी भी इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। खैर, आपको ये तो पता ही होगा कि इस फिल्म की कुल लागत 100 करोड़ रुपए है। इस फिल्म को भी पार्ट 1 की तरह इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज किया जाएगा। 2018 में रिलीज हुई KGF पार्ट 1 को भी इंटरनेशनल लेवल पे काफी पसंद किया गया था। वैसे फिल्म से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात मैं आपको और बता दूं कि KGF पार्ट 1 पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म थी जिसे पाकिस्तान में भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म को कन्नड़ के अलावा तेलुगु, हिंदी, तमिल व मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। पर क्या आपको पता है कि विभिन्न भाषाओं में रिलीज होने वाली फिल्म के संस्करण वितरित किए जा चुके हैं? जी हाँ, KGF चैप्टर 2 के कन्नड़ संस्करण को RJ स्टूडियोज ने खरीदा है, तो वहीं हिंदी संस्करण को रितेश सिद्धवान, फरहान अख्तर और अनिल थड़ानी द्वारा उनके बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म में वितरित किया जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि फिल्म की भाषाओं को चेंज करने के लिए डबिंग का यूज किया जाता है। अगर इस फिल्म की डबिंग की बात करें तो पहले यश ने खुद हिंदी में डबिंग करने का फैसला लिया था, पर जब उन्हें रियलाइज हुआ कि दर्शकों को उनकी टोन से फिल्म को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, जिसके बाद डबिंग आर्टिस्ट संकेत मत्रा को हिंदी डबिंग के लिए बुलाया गया। आप सबको पता ही होगा कि प्रमोशन किसी भी फिल्म के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से इस फिल्म के प्रचार के लिए एक काल्पनिक पत्र डिजाइन किया गया था जिसका नाम रखा गया था KGF टाइम्स। इसके अलावा 10 जनवरी तक फिल्म निर्माताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही फिल्म का प्रमोशन किया था। इस फिल्म से जुड़ी एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि और फिल्मों की तरह KGF में भी वह समय आया जब इंटरनेट पर इस फिल्म का डेटा लीक होने लगा। जी हाँ, वह टीजर तो आपने देखा ही होगा जो 7 जनवरी को रिलीज हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि यह टीजर 7 जनवरी को नहीं बल्कि यश के बर्थडे वाले दिन 8 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन टीजर से जुड़े कई कट इंटरनेट पर पहले ही लीक हो चुके थे, जिसकी वजह से इस टीजर को आधिकारिक डेट से पहले ही लॉन्च करना पड़ा। इस फिल्म से जुड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी मैं आपको बताती हूँ, जो कि शायद आपको नहीं पता होगी कि कन्नड़ एंटी तंबाकू सेल ने KGF 2 के एक्टर यश, प्रोड्यूसर विजय और फिल्म मेकर प्रशांत को जनवरी में एक नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने फिल्म में एंटी स्मोकिंग वार्निंग मैसेज ना होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि कानून के अनुसार फिल्म में एंटी स्मोकिंग वार्निंग को शो करना बहुत जरूरी होता है, जो कि KGF 2 में नहीं किया गया था। पर बाद में इस कॉन्ट्रोवर्सी को सुलझा लिया गया था।